जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर के गांव रसूलपुर नगला में पैसे के लेन देन को लेकर दबंगों ने युवक की हत्या कर दी। घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। पीड़ित के भाई की तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। आपको बता दें, पूरा मामला थाना चांदपुर के गांव रसूलपुर नगला का है, जहां के रहने वाले आरिफ पुत्र साकिर ने थाना चांदपुर पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। दर्ज कराई गई रिपोर्ट में पीड़ित ने बताया है कि रात करीब 10 बजे प्रार्थी का छोटा भाई आदिल पुत्र साकिर की पड़ोस के रहने वाले सद्दाम पुत्र शौकत से पैसे के लेन देन को लेकर कहा सुनी हो गई थी। तभी सद्दाम ने पास पड़े मोटरसाइकिल के साइलेंसर से आदिल के सिर पर वार कर दिया, जिससे सद्दाम गंभीर रूप से घायल हो गया और बेहोश होकर नीचे गिर गया। तभी प्रार्थी भी शोर शराबे की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचा और अपने भाई को लेकर सीएससी स्याऊ पहुंचा, जहां डॉक्टर ने सद्दाम को मृत घोषित कर दिया। सद्दाम की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मृतक के शव को पीएम के लिए भेज दिया है। मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। वहीं मृतक के भाई ने पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की है। छोटे वाले भैया से मेरे भाई ने कह दिया पैसे दे दियो, तो उन्होंने कह दिया तुमसे ले जाते हो तो ले लियो। मेरे भाई ने कहा चल तू अंदर को चला जा, मैं तेरे बड़े भाई से ही बात करूँगा। तो कहते हैं तुमसे ले जाते हो ले लियो, वो बात नहीं करेगा। तो हम अंदर को चले गए सब। मेरे बड़े भाई थे बाहर, वे साइड को मुँह करके खड़े थे। पीछे से आके सलेंजर मार दिया उसने बुलेट का। गाँव क्या, तुम्हारे गाँव का नाम क्या? गाँव नंगला, रसूलपुर नंगला। मानने वाले का नाम है जावेद, उससे बड़े वाले का नाम है सद्दाम, उससे छोटे वाले का नाम है सैदाम। अब क्या चाहते हो? अब क्या चाहते हो? हम मैं कार्रवाई चाहिए।